पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज का बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के हरियाणा दौरा रद्द होने पर कहा कि कांग्रेस हार रही है और ये उन्हें पता लग गया है, इसलिए उन्होंने रैली में आना रद्द कर दिया। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी पर कहा कि एक गुट का कार्यक्रम था, पूरे हरियाणा में यही चल रहा है। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो चोरी के आरोपी पर अब पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारा मैनिफेस्टो चोरी किया। नहीं नहीं देखिए, 10 साल हमारा राज रहा है और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो इसके खिलाफ है बात। कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता हमारे दरबार में माथा टेकने के लिए हमारी सरकार के पास आते, हो सकता है किसी ने कुछ सुन लिया हो और जाके छपवा दिया हो। हमने कॉपी नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा मैनिफेस्टो चोरी किया। नहीं, वो उनको ये रिपोर्ट चली गई है कि भी यहां से कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है, तो फिर ऐसी जगह पे तो वो आना नहीं सकते क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता है, फिर लोग उनसे क्वेश्चन पूछते। इस कारण से उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद अपना दौरा कैंसिल कर दिया। नहीं देखिए, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है। ये एक धड़े का प्रोग्राम था, दूसरे धड़े का नहीं था, तो ये तो सारे हरियाणा में और सारे हरियाणा में अलग अलग दलों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और एक दूसरे को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं।